चंडीगढ़ में बीजेपी ने मनाई बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती। सीएम मनोहर लाल ने बाबा साहेब को किया नमन। रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, काले झंडे दिखाने की योजना बना रहे किसान गिरफ्तार। किसान बोले नहीं झुकेंगे किसान। हरियाणा में बदला नाइट कर्फ्यू का समय, राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। कांग्रेस एमएलए आफताब ने रमजान में धार्मिक कार्यों के लिए मांगी छूट। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा सरकार लॉकडाउन लगाने के हक में नहीं, अधिकारियों को दिए सख्ती बरतने के आदेश। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नमन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब विदेश गए, जहां उन्होंने लॉ की डिग्री ली, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की और विधि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। अंग्रेज सरकार के कानून का उन्होंने अध्ययन किया और बहुत चीजें समझी कि आजादी के बाद क्या संशोधन किए जाने हैं। सीएम ने कहा जब संविधान में 370 जोड़ने की बात आई तब उन्होंने इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को समाप्त करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज 14 अप्रैल ये दिन एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जन्मदिन के नाते, उनकी जयंती के नाते से हम पूरे देश को मनाते हैं। उनका जन्म 130 साल पहले जब देश गुलाम था, मध्य भारत के महू नाम के छोटे से स्थान पर हुआ था। आगे चलकर के उन्होंने शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, विदेश भी गए, लॉ की डिग्री ली और लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता हो गए। और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा कानून की उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन किया और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करें। बहुत लंबे समय से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शिक्षा के माध्यम से लड़ रहे थे और शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूख और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था। वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो। पढ़ाई का, अध्ययन करने का शौक इस बात से भी पता लगता है कि उनका एक घर में निजी पुस्तकालय था। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जब वो 100 साल के हुए तो उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली। इस प्रकार से उनके इस विख्यात जीवन के पूरे इतिहास, इस देश की राजनीतिक एकता, क्योंकि संविधान एक है तो राजनीतिक तौर पर एक है, प्रशासकीय तौर पर एक है,
ये अगर देन है तो ये डॉक्टर इमराव के आज हम अरविंद खाते पूरे देशभर में उनकी जयंती का ये मना रहे हैं। हमने पिछले दिनों में ही विधानसभा में ही उनकी प्रतिमा का जो लोकार्पण किया, क्योंकि विधानसभा लोकसभा यही ऐसे स्थान होते हैं जहां जो आदर्श उन्होंने उनको बताया, सिद्धांत बताया। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 5 मार्च को विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना की थी। संविधान के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। स्पीकर ने बताया कि बाबा साहब ने जीवन में शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया था। देश के लिए बाबा साहब ने संविधान में बहुत कुछ दिया है। भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया, हमें दिया है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनूठा संविधान है। विश्व की लगभग सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, और उसके लिए जो संविधान की रचना हुई, जिस प्रकार से समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, देश को देश के अंदर जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो सबसे गरीब और दलित व्यक्ति, उसकी सोच करते हुए संविधान की रचना हुई, और आज उसी संविधान के माध्यम से देश जो है वो आज देश के नायक हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसी संविधान के माध्यम से लगभग पिछले 75 साल से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के लिए कि हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए चाहे हमें एक वक्त की रोटी भी छोड़नी पड़े, इस प्रकार का जो संदेश दिया वो देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। और दूसरा बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया, आपसी भाईचारे का, समरसता का, हम सब एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। जब हम ये विचार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। जी, एक जिस तरह से प्रदेश में कहीं ना कहीं विरोध किसानों के समर्थन से कहा गया कि अंबेडकर जयंती का विरोध करेंगे अगर वहाँ कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों का विरोध करना। खबरों का सिलसिला हरियाणा चौपाल में लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देशभर के साथ आज रेवाड़ी में भी संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में रेवाड़ी पहुंचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहर के प्रमुख गढ़ी बोलनी चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 350 किलोग्राम कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया। मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारी जिंदगी में अहम योगदान रहा। संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने देश के लिए जो अमूल्य योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। अंबेडकर जी का हम सब की जिंदगी में एक अहम योगदान रहा। इस देश के संविधान के निर्माता के तौर पर जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा और दृष्टि देने का काम उन्होंने किया वो अनमूल्य है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और आज उन्हीं की याद में रेवाड़ी के अंदर जो भव्य से उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेरा तो स्वयं ये मानना है वो उन चंद लोगों में से रहे हैं जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर केवल मात्र पार्लियामेंट्री के तौर पर नहीं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम किया। भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिया कि सब आदमी पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए 2 बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने भी उनको अधिकार दिए। तो व्यवस्था खराब करने का काम करेगा, बाधा डालने का काम करेगा तो जरूर सरकार शक्ति के साथ। एक चीज जरूर स्पष्ट आपको कह सकता हूँ कि प्रदेश में ना तो लॉकडाउन वाली कोई स्थिति आज है ना आने वाले समय में। नाइट कर्फ्यू उसी हमारे ला साथ लगते हुए तमाम प्रदेशों ने लगाया, उन्हीं के आग्रह पर हमने लगाया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट या इंटर स्टेट मूवमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एहतियातन तौर पर हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदेश में हमने और बेहतर करने का काम किया है। और मैं मानता हूँ कि एक ये सेकेंड वेव का जो स्पाइक है केवल मात्र हरियाणा ही नहीं तो बहुत कंट्रोल्ड एरिया में है, 4,000 केसेज आए। आज हम महाराष्ट्र देखते हैं 60,000 क्रॉस कर चुका, दिल्ली 12,000 क्रॉस कर चुका। हमारे पास तमाम व्यवस्था है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 4 दिन देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की एक बड़ी मात्रा में टीकाकरण हुआ है
उसके बाद इस बाइक को इस वेव को हम तोड़ पाएंगे और व्यवस्था को बेहतर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देशभर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में पहुंचे। रेवाड़ी के अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन इसके पहले कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसान नेता डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन से पहले ही कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जो हरियाणा का सबसे बड़ा शराब तस्कर है, जिन्होंने कोरोना काल में इतनी भारी शराब की तस्करी करी है और आज हमारे इन नेताओं को गिरफ्तार करते हैं, नेताओं को बंद करते हैं, ये भारतीय किसान यूनियन ना झुकेगी, नहीं झुकेगी कभी भी। धान हमारा जिलाकार समिति का जो हेड है उमेश यादव पालावास, उन और कई साथियों को पालावास रोडाई थानों में गिरफ्तार कर रखा है। जो बहुत घने साथी आ रहे हैं उनको भयभीत कर रखे हैं, डरा रखे हैं। और मैं इस निकम्मी सरकार से कहता हूँ, अब वो लोहारू में, कुरुक्षेत्र में, जींद में आज मुख्यमंत्री है, वहाँ जाके देखो। अई अहिरवाल को इतना कमजोर क्यों समझते हैं, लेसर पब्लिक को ठाकर गिरफ्तार कर देते हैं। अब हम झंडा दिखाएंगे, हमारा हक है, विरोध प्रदर्शन करेंगे। दुष्यंत चौटाला का इतना बड़ा कद नहीं है एक बाबा राव भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का आवरण कर सके। मूर्ति का आवरण हमें प्रशासन को पहले अलर्ट कर दिया था, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी करे या फिर कोई दलित समाज का कोई बहुत बड़ा नेता हो वो कर दे। हम आज दुष्यंत को काले झंडे दिखाएंगे, सरकार हमें गिरफ्तार करे, जेल में घुसे, हमें कोई खतरा नहीं। अभी क्या बात हुई है? अभी ऐसे तो साहब ने कही है कि भाई तुम्हारे ऊपर एक्ट लगा देंगे, लगा दो एक्ट। एक्ट पहले भी लगा दिया, हम जेल से थोड़े ना डरते हैं। उन पे एक्ट का लगाओगे जो मेरे साथी का कोसड़ी से ठा लिए, जो हमारे हलके का प्रधान ठा लिया।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वो राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। गृह मंत्री ने कहा कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन लगाने के हक में नहीं है। वे चाहते हैं कि जिंदगी चलती रहे और जिंदगी बची रहे, जिसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन है। नाइट कर्फ्यू कितना इफेक्टिव है? पूरी तरह से 10 बजे से 5 बजे तक हम कोई नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होने देते। एसेंशियल सर्विसेज को हमने अलाउ किया है, हेल्थ है, पुलिस है, रेलवे है, उनको अलाउ किया हमने, बाकी नॉन एसेंशियल सारा बंद है। सब महाराष्ट्र ने एक तरह से लॉकडाउन आज से शुरू हो जाएगा, हरियाणा के लोगों को भी डर है, क्या हरियाणा में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? नहीं, किसी भी प्रकार से हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे, और जिंदगी को बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं अपने सभी अधिकारियों को कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करना। हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे कम कर दिया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर बुधवार से शुरू हो रहे रमजान के महीने का जिक्र करते हुए कर्फ्यू का समय घटाने की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि आफताब अहमद ने इसे रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक करने की गुजारिश की थी। सरकार ने यह सुझाव पूरी तरह नहीं माना, लेकिन कुछ राहत जरूर दी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली सुबोध जोशी जिला पंचायत राज ऑफिसर बन गई हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनके पिता बीपी जोशी को घर जाकर बधाई दी। परिवहन मंत्री शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार में जिला पंचायती राज अधिकारी के पद पर चयनित हुई सुबोध जोशी को शॉल भेंट कर बधाई दी गई और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बलि भांति सिरे चढ़ रहा है। आज उनके मित्र की बेटी अधिकारी बनी है, ये देखकर उन्हें काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। आई है और पंचायत राज ऑफिसर रैंक 1 उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 जी। तो क्या अनुभव कर रहे हैं आप? मंत्री जी भी पहुंचे हैं, क्या कहना आपका? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंकल ने बहुत ज़्यादा लड़कियों की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा दिया है। बेटी बचाओ बेटी जैसी स्कीम्स भी आई हैं और हमारी हरियाणा सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। सेक्स रेशियो को जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसको डिक्रीज़ करने का प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने ये किया भी है। और आज हरियाणा सरकार ने इतना काम कर दिया है कि मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ से यूपी में जा रहे हैं तो वो भी सेम काम वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे भी जो कमियाँ होगी उनको दूर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आए जो शायद हमारे मिनिस्टर साहब ने भी ये सपना देखा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की जगह, जैसे अंकल का कहना है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए और इसके लिए ये हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, अंकल ने काफ़ी प्रयास किए हैं इसके अंदर। और अगर ये चीज़ हो जाती है और जो हमारा पूरे देश का सपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो जेंडर इक्वालिटी का, उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर पाए। मैं सबसे पहले इस बेटी को इस बात की बधाई जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान का नारा था और जो पानीपत से शुरुआत मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुई थी, और ने इस बेटी का नारा पानीपत की उस भूमि से दिया था और जिसके सफल साकार, जहाँ पे बेटियों का और जो लड़कों का जो रेशा वो भी आज मेरे 90 के आसपास है, जो रेशा बहुत कम था। और जब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जब नारे को जो बिटिया ने साकार करा, मैं भाई जोशी जी को बधाई दूंगा, मेरे मित्र हैं।
वहीं पलवल गतपुरी थाना में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक एसआई हनीश खान ने बताया कि एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह गांव दुधोला स्थित विश्वविद्यालय में क्रैच के छोटे बच्चों को पढ़ाती है। 12 अप्रैल की सुबह जब वह विश्वविद्यालय में थी, उसी दौरान दुधोला गांव का सरपंच मौके पर आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो आरोपी सरपंच जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसे में पीड़िता ने बताया कि उसको बार बार धमकियां मिल रही है कि अगर राजीनामा नहीं किया तो उसके पर्सनल फोटो जो उसके फोन में है उसको इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा, क्योंकि पीड़िता का फोन अभी आरोपी सरपंच के पास है। ये स्किल यूनिवर्सिटी में क्रैच के बच्चे को पढ़ाते टाइम हुआ। तो क्या यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी थी, वो नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। और यूनिवर्सिटी वालों ने कह दिया ये हमारे केस के परे है, हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो क्या अब आपको कोई धमकी वगैरह कुछ? हाँ, वो मेरे फोटो वायरल करने के लिए मेरे को धमकी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB News।